आज का क्वेश्चन है कि दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू नो आवर ड्रीम्स एंड आवर पैशन। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे क्या ड्रीम्स हैं, क्या पैशन है? अगर आपको ये ही नहीं पता है अभी तक कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, तो मे बी यू रियली नीड एन इंट्रोस्पेक्शन। आपको बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पे आप कॉन्सेंट्रेट करना चालू करें कि आप किन चीज़ों को करने में आपको लिबरेटिंग लगता है, एक्सिलरेटिंग लगता है, किन चीज़ों को करने में आपको खुशी मिलती है, और वो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो और उससे आप बोर नहीं होंगे। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, आपको अपने आप ये मालूम चल जाएगा कि आपके गोल्स क्या हैं और आपका पैशन क्या है। हमेशा ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारा पैशन है वो ही अगर आगे चल के हमारा गोल बन जाए। जैसे कि अगर गाना गाना पसंद है तो मे बी यू कैन बी अ सिंगर। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ अपना आगे चल के कर सकते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी कुछ हमारा पैशन है वो ही आगे चल के ट्रांसलेट हो कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं। आपके गोल्स किसी भी तरह के, जस्ट टू नो दैट वॉट योर गोल्स और वॉट यू आर लाइकिंग्स आर, आई वुड सजेस्ट कि आप एक पेन और पेपर लीजिए और लिखना चालू करिए पॉइंट वाइज कि आपको क्या क्या पसंद है। क्या ये जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो एक करियर बनाने के लिए भी आपकी हेल्प कर सकती हैं? क्या करियर जो है इनमें से निकल के कुछ आ सकता है जो कि आप पसंद करते हैं करना डे टू डे लाइफ में? अगर आपको ये पता चल जाएगा आपकी लिस्ट से, तो अपने आप से आप ज़ीरो डाउन कर पाएंगे कि आप आगे चल के ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक क्लैरिटी हो। जब आप क्लियर रहोगे अपने गोल्स को लेके कि आप क्या करना चाहते हो, थिंग्स विल बिकम मोर इजियर फॉर यू टू, कि फिर आपके पास कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। नहीं, यू विल हैव अ प्रॉपर फोकस। देयर इज नो नीड ऑफ प्लान बी, यू नो। अगर आपका फोकस है और आपका कॉन्फिडेंस है और आपने पूरी तरह से उस चीज़ के लिए मेहनत की है जो आप करना चाहते हो, तो आप ज़रूर कर। क्योंकि जब कन्फ्यूजन होता है ज़िंदगी में, तभी हम एन्जाइटी फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं। जब भी आपको एन्जाइटी लगे, राइट इट डाउन। इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, राइट इट डाउन सो दैट आपको अपने थाट्स की क्लैरिटी मिले। क्योंकि जब दिमाग के अंदर चीज़ें होती हैं तो बहुत जम्बल्ड अप होती हैं, लेकिन जब आप चीज़ें लिख लेते हो तो एक क्लैरिटी आपको खुद को मिलती जाती है। और इसमें प्रोज एंड कॉन्स लिखिए कि ये करूँगा तो क्या सही है, इसमें नहीं करूँगा तो क्या है। तो इस तरह से आपको एक क्लियर बात, एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि वॉट यू वॉन्ट टू डू। अगर आपको ये नहीं पता है अभी तक कि आपको आगे चल के करियर में क्या करना चाहिए, तो मे बी आपको लोगों से बात करनी चाहिए, कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों से जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से अपने जॉब में अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं। उनसे बात करिए ताकि आपको पता चले कि उन लोगों ने क्या क्या किया, क्या स्टेप्स फॉलो किए ताकि वो इस मुकाम तक पहुँच पाए। You need to understand that and talk with them. You need to talk with them about your passions. उनकी बातों को अच्छे से अपने अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। जब आप लोगों से बात करते हैं, आपके भी ज्ञान के चक्षु जो हैं वो खुलते जाते हैं। जब आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल लोगों के साथ में बात करते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में अपना टाइम लगाइए ताकि आप अपना पैशन फाइंड कर सकें, अपना गोल फाइंड कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, कोई नहीं आ रहा है आपको ये बताने के लिए कि आपको क्या करना है और दूसरे बताएं और फिर हम कुछ करें। इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आगे चल के आप खुश नहीं रहने वाले। इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्या करना है ये आपको खुद को पता होना चाहिए और उसको फिगर आउट अभी ही करना है। अगर आप 12th में हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ एग्जैक्टली द टाइम व्हेन यू शुड नो व्हाट योर पैशंस आर, व्हाट योर गोल इज़, व्हाट विल मेक यू हैप्पी इन लाइफ। I hope this answered your question, and अगर आपके और भी कुछ questions हैं तो please do let me know, मैं अपना opinion आपको ज़रूर दूंगी। Until we meet again, take care, namaste.